बीजेपी और मीडिया, दुनिया की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स और मीडिया, राइट और लेफ्ट की डिबेट और मीडिया, रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी का कंपैरिजन और मीडिया, ये है मेरी आज की गुफ्तगू की बातचीत जो मैं अपने एनालिसिस में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तो हिंदुस्तान में एक हिंदुत्व की लहर चल रही है और उस पर सबसे ज़्यादा बातचीत होती है मीडिया की तरफ से। भारत का जो मीडिया है दुनिया के दूसरे मीडिया की तरह वो इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द पास्ट 4 decades और बहुत ज़्यादा इवॉल्व दुनिया भर का मीडिया इंक्लूडिंग भारत के मीडिया के इवॉल्व होता है जब से हम इंटरनेट का जोर देखते हैं। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स के टाइम स्पैन में दुनिया बदल गई और फॉर द पास्ट 15 ईयर्स में ऑलमोस्ट हमने सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा चेंज देखा और ये जो अब चेंज है एक बहुत बड़ी नॉइज़ की सूरत में पूरी दुनिया में है। बातचीत में शुरू कर रहा हूँ भारत के मीडिया और बीजेपी की सरकार से। बीजेपी की सरकार ऑलमोस्ट 5.5 ईयर से है, 6ठा साल है, दूसरी सरकार है और अब जो एहसास होता है भारत के स्ट्रॉन्ग जाइंट बन जाने वाले मीडिया को कि ये जो समय है ये तो बीजेपी गुजारेगी, यानी अपनी दूसरी टर्म भी गुजारेगी और अगली टर्म में क्या सिचुएशन होती है, यानी थर्ड टर्म में और उससे आइंदा आने वाली टर्म में, तो वो जो भारत की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको दिखता है कि बीजेपी एक ख़ास कॉन्सेप्ट के साथ वो जो रिवाइवलिज्म ऑफ इंडियन हेरिटेज सिविलाइजेशन या मुझे कहने दीजिए हिंदू रिवाइवलिज्म की भी बात कर रहे हैं, वो उन्हें लगता है कि इसके कारण उनको शायद पावर आने वाले एक टिकेट भी ना मिले, तो अब वो कहाँ जाएंगे? पावर के बगैर पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ रहेंगी? ये ऐसे ही है जैसे पानी के बगैर मछली का जीना मुश्किल हो। तो वो जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो मगरमच्छ हैं पॉलिटिक्स के, वो ये सोचते हैं कि जब तक बीजेपी इसी तरह पॉपुलर रही तो वो तो कभी भी पावर में नहीं आ सकेंगे, तो फिर वो जो पावर का हब है, पावर का जो एक बहुत बड़ा ओशन है उसका जो पानी है उसमें वो कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो वो जी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा डिबेट वहाँ पे जो बन नहीं रहा एपरेंटली, मगर उसी जो अंदर का डिबेट है उसी की बिना पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज वहाँ पर उछाले जा रहे हैं कि जिससे ये सूरत हाल बने कि बीजेपी और भारत की ये जो सरकार है इसको हम मेलाइन कर सकें, हम इसको बुरा कह सकें, और बुरा कहने का बहुत सारा काम हाथ में नहीं आ रहा तो फिर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बीजेपी की दूसरी सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स तेज़ी से किए, जैसे ट्रिपल तलाक का बिल पास होता है, जैसे कश्मीर का आर्टिकल 370 एब्रोगेट होता है और राम मंदिर का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आ जाता है और उस पर भारत में कुछ नहीं होता, और उसके बाद CAA, NRC इस तरह के जब वो बिल आते हैं जिनकी बातचीत पहले कांग्रेस के दौर में भी होती रही थी, मगर अब वो बीजेपी पर डालने की कोशिश करते हुए ये कहना कि इसमें मुस्लिम्स का नाम नहीं है, तो वो अब तक के जो बड़े इवेंट्स हुए अपोजिशन उसमें कामयाब ना हुई, इस पर किसी हद तक अपोजिशन कामयाब हो गई। और जब अपोजिशन कामयाब हुई तो जो मीडिया हाउसेस हैं जो मोदी जी से एग्री नहीं करते और ख़ासतौर पर वो जर्नलिस्ट जो अपने आप को लेफ्ट का कहते हैं और वो कहते हैं कि इस वक्त जो भारत का यूथ है वो बीजेपी से उखड़ता जा रहा है, तो ये एक इरेशनल बात है। भारत का जो यूथ है वो बीजेपी का बहुत बड़ा पार्ट है, ओवरवेलमिंग पार्ट है, मगर वो जामिया मिलिया इस्लामिया या JNU या दूसरी जगहों पे जो प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर जो कपल हंड्रेड्स और कपल थाउजेंड्स लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक ही तरह के लोग, इवन फ्यू डजन्स लोग एक ही तरह के नारे लगाते हैं, एक ही तरह की शक्लें दिखाते हैं, एक ही तरह आमने सामने आते हैं,
तो वो ये दिखाने की कोशिश अब जो अपोजिंग मीडिया है बीजेपी का, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पूरा भारत बीजेपी के खिलाफ विरोध कर रहा है। इसको मीडिया में हम कहते हैं स्पिन करना सूरत हाल को, और ख़ास तौर पर भारत में ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसे मैंने पीछे बात शुरू की, एक जगह का लेफ्ट दूसरी जगह का राइट हो जाता है, दूसरी जगह का राइट पहली वाली जगह पे लेफ्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल यूं है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर भारत का ये जो इस वक्त का जो पॉलिटिकल ढांचा है वो राइट का है, कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंडिया अगर कोई है इस वक्त ट्रू सेंस में तो वो बीजेपी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी को दुनिया में राइट विंग की पार्टी समझा जाता है। अब राइट विंग को एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ लेफ्ट के लोग ऑलवेज जोड़ते हैं, हालांकि राइट विंग की जो पार्टीज होती हैं उनका काम क्या होता है कि वो कंजर्वेटिज्म की तरफ होते हैं जहां तक इकॉनमी का ताल्लुक होता है, यानी इकॉनमी को वो कंजर्वेटिव आइडिया से चलाते हैं, डेट में नहीं जाना चाहते, खर्चे उतने ही करना चाहते हैं जितने आपके पास इनकम हो या रिसोर्सेज हों, ये होता है। दूसरा वो जो अपना नेशनल प्राइड होता है, हर कंट्री की जो कंजर्वेटिव पार्टी होती है वो अपने नेशनल प्राइड को एक तरह से रिवाइज या उसको उसको दोबारा से उजागर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का या इस्लामी मुल्कों का जो राइट होगा वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का होगा, यानी हमने इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को आगे लेकर चलना है। अब हो सकता है कि अमेरिका का जो कंजर्वेटिव का राइट विंग है, जैसे इस वक्त हम ट्रंप साहब की सूरत में देखते हैं, तो ट्रंप साहब ये बात बार बार कहते हैं कि हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो अमेरिका का जो राइट है फॉर इंस्टेंस वो पाकिस्तान के राइट या मिडल ईस्ट के राइट से टक्कर खा रहा है, यानी वो दो राइट होने के बावजूद वो एक साथ नहीं चल पा रहे, वो एक दूसरे से क्लैश करते हैं। फिर होता क्या है कि अमेरिका का जो लेफ्ट है वो एकदम से इस्लामिक राइट के साथ मिल जाता है और वो कहता है हम साथ हैं, हम आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात नहीं होने देंगे। फॉर इंस्टेंस मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान के जो राइट्स के ग्रुप्स हैं जहां पर बुरके का या हिजाब का बहुत जोर हो, तो उनके साथ लड़ाई विद इन कंट्री हो रही होती है, जो वहाँ के लेफ्ट होते हैं, पाकिस्तान का जो लेफ्ट है और जो पाकिस्तान का राइट है वो आपस में लड़ रहे होंगे, या मिडल ईस्ट का लेफ्ट है वो लड़ रहा होगा मिडल ईस्ट के राइट के साथ, और मिडल ईस्ट का लेफ्ट कह रहा होगा कि वो एक्चुअली लिबरल लेफ्ट होता है कि नहीं हमें ये बुरके नहीं चाहिए। जैसे ईरान में हम देख रहे हैं, ईरान में एक शदीद राइट की गवर्नमेंट है और वहाँ का लेफ्ट कह रहा है, लिबरल कह रहा है कि हमें ये बुरके नहीं चाहिए, हमें ये निकाब नहीं चाहिए, हमें ये हिजाब नहीं चाहिए। मगर जो ही वो वहाँ का लेफ्ट इधर आता है, अमेरिका आकर रहता है, कनाडा आकर रहता है, वो नॉर्मली एकदम से हिजाब के बुरकों के हक में हो जाते हैं, बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अमरीका में जो राइट की कुवतें हैं वो कहते हैं कि हमें बुरका नहीं चाहिए, तो एकदम से पाकिस्तान से या मिडल ईस्ट से आए हुए जो लेफ्ट के लोग हैं वो उनमें से ज़्यादातर मिल जाते हैं राइट के साथ, कहते हैं ओह ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, हम इनके साथ काम करेंगे जो यहाँ का लेफ्ट है, अमेरिका का, कनाडा का। तो ऐसी ही सूरत हाल भारत में है, ऐसी ही सूरत हाल का सामना बीजेपी को भारत के इस वक्त के मीडिया से करना पड़ रहा है। CAA के बिल में वो बात भी नहीं है जिसका अफसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, यानी मुसलमानों का जिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं जिक्र क्यों नहीं है, इसी पे ही झगड़ा शुरू हो गया, जिक्र क्यों नहीं है यही वजह तनाज़ा बन गया। और हालांकि उसमें भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ कोई बात नहीं की गई, सिर्फ ये कहा गया कि जो प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ नेबरिंग कंट्रीज़ में हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, वो प्रोसिक्यूटेड हैं, उनको हम जगह देंगे, सिटीजनशिप देंगे। ये नहीं कहा गया कि हम जो मुस्लिम्स वहाँ पे रहते हैं उनको जगह नहीं देंगे, क्योंकि वो इस वक्त फोकस में नहीं है। वो इसलिए फोकस में नहीं है कि वो जो वहाँ का राइट है, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या अफगानिस्तान का इस केस में, तो वो तो ऑलरेडी राइट मुस्लिम्स आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है,
वहाँ की जो प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी हैं अहमदिया और शिया, वो भी एक्चुअली वहाँ के मुस्लिम जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, मुस्लिम सोशल फैब्रिक, उसके हामी हैं, मगर चूंकि उनको वहाँ पर पूरा मुसलमान नहीं समझते तो वो थोड़ी सी दिक्कत में आते हैं। लेकिन वो भी जैसे पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी के ही हामी हैं, तो पाकिस्तान बना ही टू नेशन थ्योरी पे है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको इस वक्त भारत का मीडिया भी एट लार्ज और वेस्ट का मीडिया भी एट लार्ज समझ नहीं पा रहा। इसमें सिर्फ इतना नहीं कि ये जो मीडिया है ये कोई अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट या पैसों के लिए या लफाफों के लिए काम करता है, उनमें से कुछ लोग करते भी होंगे, मगर बहुत सारे मीडिया के जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस के डायरेक्टर्स और टॉप एंकर्स वो ये समझते हैं कि ये एक कूल बात है कि हम कहें कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उनको ये शायद पता नहीं चल रहा कि वो जिस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की बात कर रहे हैं उनको बचाने के लिए वो एक्चुअली एक दूसरी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, एक दूसरी तरह की है, उसकी हमायत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक और इशू इन्हीं दोनों सामने आया, कासिम सुलेमानी की हलाकत हुई अमेरिकन ड्रोन हमले में। तो इस पर खुद अमेरिका का मीडिया और बहुत सारा दुनिया भर का लेफ्ट का मीडिया और जनरल मीडिया एट लार्ज ये शोर कर रहा है कि ये जुल्म किया, ये अमेरिका ने एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की। अब ये एक अलग बहस है, हम इस पर अलग से कई बहसें कर चुके हैं और करते रहेंगे कि इसमें अमेरिका की कितनी गलती है वो नहीं है, ये एक अलग बहस है। मगर ये इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि वो जो कासिम सुलेमानी जो हज़ारों लोगों की जान का एक तरह से उनकी हलाकत का ज़िम्मेदार था ईरान के अंदर अब तक हज़ारों लोग कासिम सुलेमानी की गलत पॉलिसियों की वजह से मारे जा चुके हैं, तो वो उसका जो टेररिस्ट एस्पेक्ट है वो सब भूल रहे हैं। इसी तरह अगर अब हम देखें सीए के कॉन्टेक्स्ट में और ख़ास तौर पर बीजेपी के ख़िलाफ़ जो भारत का मीडिया जा रहा है, सभी तो नहीं लेकिन एक मेजर चंक, और उसमें से भी जो सीजनड एंकर्स हैं, सीजनड पर्सनैलिटीज ऑफ मीडिया वर्ल्ड हैं, वो जो जा रहे हैं ख़िलाफ़, उसकी वजह ये है कि वो कूल होने का एक ख्याल है कि ये आइडिया कूल नहीं है कि मुस्लिम्स का नाम सीएए में नहीं है। सिर्फ यही मामला नहीं है, वो ट्रिपल तलाक पे भी उन्होंने बात की, फिर ये कश्मीर के एब्रोगेशन पे भी बात कर रहे थे, इतनी खुल के नहीं कर रहे थे, मगर सीए के कॉन्टेक्स्ट में खुल के बात करने का सबको जैसे मौका मिल गया, जैसे सब ने अपनी वो जो छींक आई हुई रोकी होती है एकदम से माहौल बना तो सब ने छींकें मारना शुरू कर दी। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमें भारत के मीडिया वर्सेस बीजेपी में नज़र आ रही है। और मैंने ये भी कारण बताया कि बीजेपी के बारे में साफ लगता है कि ये तो खैर क्लियर है कि ये टर्म तो वो अपने मैंडेट के साथ गुजारेंगे ही, उससे अगले टर्म्स में भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं और पॉपुलर तो वो बहुत हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो 70 ईयर्स की करप्शन है वो एटलीस्ट बीजेपी के मिनिस्टर्स पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, ये कोई छोटी बात नहीं। अब इसका कैसे कोई तोड़ निकाले, हो सकता है बीजेपी से बहुत सारी पॉलिसीज़ में तेज़ी भी हुई हो, बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लेनेशन में भी कमी रह गई हो और कहीं कहीं परफॉर्मेंस में भी, जैसे इकॉनमी के मामले में कुछ बीजेपी के अपने क्रिटिक्स कह रहे हैं कुछ कमी हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी सरकार करप्ट है। तो अब इसको हलाना कैसे मुमकिन होगा, तो फिर अपोजिशन की पार्टियां आती हैं, उनके हाथ में ये एक ट्रंप कार्ड आता है कि ओके मुस्लिम्स का नाम नहीं आया, फिर वो जो ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं, फिर वो जो खेल तमाशा करने वाले ग्रुप होते हैं उसमें से कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और फिर वो मीडिया के हाथों अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाते भी हैं और मीडिया को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन पर मीडिया पर इन्हीं दिनों बहुत सारे जैसे सोशल मीडिया पर ख़ासतौर पर क्लिप्स वायरल हुए, और उन्हीं वीडियो क्लिप्स में एक वीडियो क्लिप ऐसा भी है जो वायरल हुआ। यार जल्दी सर, प्लीज सर।
कोमल शर्मा को हमने पूरा आज वी हैव बेसिकली फ्रीज्ड ऑल हर अकाउंट्स। एक बात बताओ, अभी फोटो ले लेना कि दैट द सीआईएस इज अ नर्व सेंटर, एग्जैक्टली वही वो बोला था, याद है, दैट इज अ नर्व सेंटर, सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड काम यहीं पे होता है। तो आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई नो दैट देयर इज अ सर्वर इन द नॉर्थ गेट ऑफ द सिटी, वहाँ पे क्या होता है पता नहीं, पर मेल तो जा रहा है, सर्वर तो चल रहा है, ये हमको पता है, वाईफाई भी इंटरमीडिएटली आ रहा था जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब ये है, बस एकदम जब उनको लगा कि अभी नहीं आना चाहिए तो तब वो बंद हुआ, वो कुछ तो मतलब है कि टोटल ये अभी हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, हुआ है। तो इसको कहते हैं मीडिया में स्पिन करना, ये कोई नई बात नहीं, मगर ये एक वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इंडिया टुडे से इसको जुड़ा हुआ बताया जाता है, और इस वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट ब्रीफ कर रही हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनसे मज़ीद गाइडलाइंस जैसे ले रहे हैं और इस तरह स्पिन बनता है। लेकिन ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जो इंडिया टुडे उसमें इन्वॉल्व है, ये कमोबेश दुनिया का हर मीडिया हाउस ही कर रहा होता है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, अपनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन या वेस्टेड इंटरेस्ट या किसी भी बेस पर। बीजेपी और कंजर्वेटिव पार्टीज़ जो दुनिया की जहाँ कहीं भी होती हैं वो ज़्यादा शिकार होती हैं, चूँकि एक नॉर्म बन गया मीडिया हाउसेस का। मैं कोई अबाउट 40 इयर्स से मीडिया हाउसेस के साथ डायरेक्टली फ्रीलांस और डायरेक्ट काम करने के हवाले से मुंसलिक हूँ। मैंने अपने 40 इयर्स के कैरियर में यही देखा कि ये स्पिन या ये इस तरह की मैनूवरिंग ये एक आम बात है। लेकिन राइट की जो पार्टियां हैं, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न वर्ल्ड की राइट की पार्टियां और भारत की बीजेपी, बीजेपी कई बार सरकार में आई इससे पहले भी, कभी माइनॉरिटी में कभी मेजॉरिटी में, लेकिन ज़्यादातर लिबरल कांग्रेस का वहां पे राज रहा। लेकिन जो राइट की पार्टीज वेस्टर्न वर्ल्ड की इंडिया की हैं वो ज़्यादा टारगेट का निशाना बनती हैं, बिकॉज मीडिया में ज़्यादातर लोग पुराने लेफ्ट के आइडियोलॉजीज़ के थे, अब वो लेफ्ट और राइट मेरी अपनी ओपिनियन के मुताबिक रहा नहीं, लेकिन अब इसको कोई मानने को तैयार नहीं, अब वो रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी की बहस है। खैर ये इस पर मैं बात थोड़ी अभी दो मिनट बात करता हूँ, मगर इससे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ राइट और लेफ्ट की, उसमें वो जो एक लेफ्ट का है एक ख़ास मजाज जो हम फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में देखेंगे तो वहाँ पर भी लिबरल मीडिया का एक रहा राज, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे राइट के लोग भी होते थे। तो वहाँ पर जब राइट की हुकूमतें बनती हैं जो मजहबी होती हैं हुकूमतें, तो वो जो लेफ़्ट के मीडिया के लोग हैं वो फिर उनके ख़िलाफ़ विरोध करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, और जो राइट के लोग होते हैं पाकिस्तान या मिडल ईस्ट के मुल्कों में वो ज़रा ज़्यादा होते हैं मीडिया में, वो फिर उन पर काउंटर अटैक करते हैं, तो वो ये चलता रहता है। भारत में और वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी जो राइट के जो लोग हैं या उनके जो मीडिया हाउसेज हैं वो रिलेटिवली कम हैं, जैसे अमेरिका में हम देखेंगे ज़्यादातर फॉक्स है और या अब कुछ पैरेलल मीडिया के तौर पर थोड़ी सी राइट की आइडियोलॉजी वाले मीडिया इमर्ज हो रहे हैं, मगर वो छोटे हैं। मगर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो हैं जैसे CNN है, MSNBC या इस तरह के बड़े बड़े ABC, वो सारे जनरली लेफ्ट के हैं, और वो फिर उनका अटैक कोई भी वहाँ पर रिपब्लिकन की गवर्नमेंट आएगी, चाहे जॉर्ज बुश की गवर्नमेंट हो चाहे ट्रंप की हो, तो उस पर ज़्यादा सख्त अटैक होते हैं, उनको बहुत ईवल के तौर पर दिखाया जाता है, क्योंकि वो मीडिया हाउसेस अपने तौर पर इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं और वो इतनी बड़ी एंटिटीज़ होते हैं कि वो इस पोजिशन में होते हैं कि वो अपनी डिक्टेशन भी सोसाइटी पर दे सकें। यही भारत में हो रहा है। भारत में
राइट के जो मीडिया हाउसेज हैं वो रिलेटिवली कम हैं, या बीजेपी के जो हामी मीडिया हाउसेज हैं जैसे इवन जी टीवी है, मगर उनके अंदर भी ऐसे जर्नलिस्ट घुसे होते हैं जो पुराने ट्रेनीज होते हैं, उनका एक अपना मजाज होता है, और फिर फ्रैंकली पुराने सीजन जर्नलिस्टों की अपनी ईगो बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत बड़ी ईगो होती है, फिर उन मीडिया हाउसेज की ईगो बहुत होती है, तो वो फिर डायरेक्ट क्लैशेस में आते हैं गवर्नमेंट्स के। तो अभी भारत में राइट के सपोर्टर जो मीडिया हाउसेस बड़े हैं, आउटलेट्स हैं, वो बहुत कम हैं। छोटे छोटे नए इमर्ज हो रहे हैं, या पैरेलल मीडिया वेस्ट की तरह वहाँ से भी इमर्ज हो रहा है, मगर वो अभी कम है, वेस्ट हो भारत हो। ये बात तय है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की काफ़ी आज़ादी है जो पाकिस्तान या दूसरे इस्लामी मुल्कों में पॉसिबल नहीं है। इसी सिचुएशन में अब जब प्रोटेस्ट होते हैं पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका में हम देखेंगे सदर ट्रंप के खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ, या अगर पोलैंड में जहां पर राइट की गवर्नमेंट है, या कभी कनाडा में स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट होती थी, तो उन प्रोटेस्ट को मीडिया बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, और वो प्रोटेस्ट भी जो करने वाले होते हैं वो भी उसको बहुत सेलिब्रेट करते थे, ये देखे बगैर कि उनके प्रोटेस्ट की लैंग्वेज क्या है, उनमें कितनी रिस्पॉन्सिबल जो है बिहेवियर है। एक ऐसा ही वीडियो क्लिप भारत में वायरल हुआ, और ऐसे वीडियो क्लिप आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, पर्टिकुलरली CAA के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें ये कहा जाता है लेकर रहेंगे आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी लेकर रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अभी इन्हीं दिनों एक और वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो ये कहा है कि खून तेरे खून से, कश्मीर के खून से, पंजाब तेरे खून से ये इनकलाब आएगा। तो ये ज़रा एक वीडियो क्लिप देखिए, फिर मेरी कमेंट्री आपके साथ आगे चलेगी। आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसमें दो ही नारे बार 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 कहे जा रहे हैं, कश्मीर तेरे खून से इनकलाब आएगा, पंजाब तेरे खून से इनकलाब आएगा। पता नहीं वो नारे लगाने वाली जो खातून है वो क्या कहना चाहती है, व्हाट डज शी मीन। वो पास खड़ी हैं लेफ्ट की एक बहुत बड़ी वहाँ की जो खड़पैंच जिसे हम कह सकते हैं, अरुंधति राय, तो वो खड़ी हैं, वो भी होले होले वो नारे को एको कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं, जैसे को बहुत बड़ी विजडम की बात हो रही है। और इस बात में क्या बात है, इससे किसी को लेना देना नहीं। और पीछे दिखा हुआ द पीपल ऑफ इंडिया, हार्डली इस क्लिप में जितने लोग नज़र आ रहे हैं को 20-25 होंगे, और हो सकता है उनके सामने कोई 50-100 लोग खड़े हों, ये द पीपल ऑफ इंडिया है। और ये चीज़ अब ओवरवेलमिंगली पूरे मीडिया पे भारत के चल रही है कि देखिए द पीपल ऑफ इंडिया जो हैं वो कितना बीजेपी से अपसेट हैं। इसी तरह शेखर गुप्ता जी हैं, उन पर मैंने ट्वीट भी किया, उन्होंने एक ट्विटर पे अपना ट्वीट दिया कि भारत का जो यूथ है वो बीजेपी सरकार से दूर होता जा रहा है। अब शायद इन्हीं 500 लोगों की वजह से वो कहना चाहते हैं, 1.3 बिलियन के लोगों में जो यूथ की रेशो है भारत में वो शायद दुनिया में सब कंट्री से सबसे ज़्यादा है, कोई 40% के करीब बताई जाती है। तो 40% के करीब अगर यूथ 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में हो, तो आप मैथ मुझसे बेहतर जानते हैं, वो ऑफकोर्स हाफ बिलियन से तो ज़्यादा ही बनते हैं। और हाफ बिलियन में अगर कुछ चंद हज़ार लोग नई बीजेपी से खुश, इवन चंद मिलियंस भी नहीं खुश, तो दैट डज नॉट इंडिकेट कि वो यूथ बीजेपी से दूर जा रहा है। लेकिन वो मीडिया हाउस चलाते हैं, इस तरह के बहुत सारे जर्नलिस्ट चला रहे हैं, और ये इस वक्त भारत में एक
अंदर का जो मीडिया का एक रेजिस्टेंस है अपना टूवर्ड्स बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार की अभी उनको रिस्पॉन्ड ना करने की एक जो सिचुएशन है वो भी हम देख रहे हैं। शायद सरकारों को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत भी नहीं होती, मगर अभी उनकी जो मीडिया मशीनरी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन लोग अपने तौर पर ही अब मिलियंस एंड मिलियंस ट्विटर्स पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया के दूसरे आउटलेट्स पे वो रिएक्शनरी हो गए हैं, और यही सिचुएशन हमें यहाँ वेस्ट में भी नज़र आती है कि ट्रंप की जब ट्वीट जाती है तो वो विद इन मिनट्स हज़ारों लोग रीट्वीट करते हैं, और ट्रंप के खिलाफ भी हज़ारों लोग रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो असल जो अब फाइट है वो सोशल मीडिया पर जा चुकी है। अभी हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाया कि जिसमें बता रही हैं वो बच्ची या खातून कि कश्मीर तेरे खून से इनकलाब आएगा, पंजाब तेरे खून से इनकलाब आएगा। ये लगता नहीं भारत में कोई प्रोटेस्ट है, लगता है कि शायद कहीं और हो सकता है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो, मगर ऐसा नहीं है, ये भारत में ही प्रोटेस्ट है। क्योंकि तुक नहीं समझ आती कि पंजाब का मामला 91 में वो जो था वो ख़त्म हो गया, कश्मीर का मामला उस तरह है ही नहीं जिस तरह वो समझने की कोशिश या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नारे लगाना है। मैंने अभी पीछे बात की थी कि मैं दो मिनट बाद आपसे बात करूँगा रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी की। सच्ची बात यह है, मैं अब कन्विंस हूँ कि ये लेफ़्ट राइट ख़त्म हो गया। मैंने सोवियत यूनियन में भी रहकर देखा, उस ज़माने में मैं सोवियत यूनियन में रहा जब लेफ़्ट वहाँ से ख़त्म हो रहा था। हमने करीब से लेफ़्ट को पहले परवान चढ़ते, वो जो सोवियत यूनियन से जुड़ा हुआ कम्युनिज्म का लेफ़्ट था, परवान चढ़ते फिर डूबते हुए देखा। और अब सिर्फ यही है कि जो रैशनैलिटी की बात करे, चाहे वो राइट का हो चाहे लेफ़्ट का हो, जो मेक सेंस करे, जिसमें कॉमन सेंस हो, वो तो है बात समझने की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में, भारत में और मिडल ईस्ट में अब जो रैशनैलिटी की बात करने वाले हैं ना, उनको अब राइट के साथ जोड़ दिया जाता है, और जो इरैशनैलिटी की बात कर रहे हैं जैसे ये नारे लगा रहे हैं, और वो अरुंधति जैसी जो सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, एक्चुअली सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहना चाहिए मुझे, वो जो हैं वो अब इरैशनैलिटी में आ गए हैं। इसीलिए तो वो मुस्कुरा रही हैं कि पंजाब तेरे खून से इनकलाब आएगा। भाई इनकलाब कहाँ आना है, खून कहाँ है, पंजाब क्या है इसमें जुड़ा हुआ, तो ये इरैशनैलिटी है। तो ऐसी ही एक इरैशनैलिटी फिर आगे चलते हुए नई जनरेशन में आती है। एक वीडियो क्लिप देखिए नई जनरेशन जो भारत में ही नारे लगा रहे हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने नारा लगाया बच्चों को यूज करते हुए, वो भी यही खून वून की बात कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो क्लिप। अपेरेंटली ये बच्चे ज़्यादातर ने स्कार्फ हिजाब लिए हुए हैं, लगता है मुस्लिम्स हैं और इंडिया की बैकग्राउंड के हैं, तो ये बच्चे भी खून 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 की बात कर रहे हैं। जाहिर इन बच्चों को बेचारों को क्या पता, इनको जिन्होंने माइक दिए हैं, जिन्होंने अल्फाज इनके मुंह में ढाले हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं। अब अगर परवान ही रैशनैलिटी से होगी, परवान ही जोशीलेपन से होगी, और वो जोशीलापन भी ऐसा जिसमें रैशनैलिटी ना हो, तो फिर आगे चल के सैडली ये बच्चे भी वैसे ही बनेंगे जो हमने इससे पहले के वीडियो क्लिप में देखा था। वो खातून कह रही है कश्मीर तेरे खून से इनकलाब आएगा, पंजाब तेरे खून से इनकलाब आएगा। तो ये सिचुएशन है जिससे बीजेपी भारत में और कंजर्वेटिव पार्टीज यहाँ की वेस्टर्न वर्ल्ड की इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि कंजर्वेटिव पार्टीज अराउंड द ग्लोब जो होती हैं वो हर बात हर काम 100% अच्छा या दुरुस्त कर रही होती हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस वक्त रैशनल थॉट के साथ जुड़ी होती हैं। उनके सपोर्टर्स, अच्छा पार्टीज अगर हो सकता है रैशनल इतनी ना हो, मगर उनके सपोर्टर्स रैशनल थॉट्स के साथ जुड़े होते हैं। बहुत सारे सपोर्टर्स मेरी तरह के, मैं भी कंजर्वेटिव पार्टी का सपोर्टर इसी रिएक्शन की वजह से हुआ हूँ, जो अरुंधति राय को जब मैं मुस्कुराते देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि ये इरैशनल थॉट्स पे ये और इन जैसे जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो किस तरह सपोर्ट करते हैं, तो एक रिएक्शन बिल्ट होता है विच इज़ क्वाइट नेचुरल कि भाई अगर ये लोग इतने गए गुजरे अपनी सोच में हो सकते हैं, तो फिर ये लेफ्ट के ब्लॉक से तल्लक रखने के काबिल नहीं है।
मगर इन्होंने कब्जा कर लिया लेफ्ट के ब्लॉक का। और फिर हम ये सोचते हैं कि इरेशनैलिटी कहाँ है। बहुत सारे भारत में मैं सोशल मीडिया पे ऐसे लोग देखता हूँ, हज़ारों लोग देखता हूँ, जो पहले कभी कांग्रेस के या लिबरल आइडियोलॉजीज़ के या लेफ्ट के होते थे, वो बीजेपी के शदीद हामी हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी, मोदी सरकार, मोदी जी हिमसेल्फ असल में ये लेफ्ट के हैं। उनको ये वाजे लग रहा है, क्यों लेफ्ट के हैं मोदी जी, ये ज़ात बरादरी की बात नहीं करते, ये कास्ट सिस्टम की बात नहीं करते, वो किसी किस्म की क्लास सिस्टम की बात नहीं करते कि ये बड़े अमीर हैं ये गरीब हैं, वो तो सबके साथ बैठते हैं। मोदी साहब तो आज भी ज़मीन पे बैठकर चाय पीने वाले शख्स हैं। तो फिर जो मेरे जैसे पुराने लेफ्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि असल लेफ्ट पर ये है, हमने यहाँ पे डाउन टू अर्थ कंजर्वेटिव पार्टी को जनरली देखा, उनमें भी बड़े बड़े इरेशनल लोग होते हैं कंजर्वेटिव पार्टीज़ में भी, हमने कैनेडा में एक्सपीरियंस किया, लेकिन फिर भी हमें उनके अंदर मिल जाते हैं जो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। और ये जो लेफ्ट का धंधा करने वाले ये जो इलीट क्लास होती है, मुझे उसमें एक बड़ा रिएक्शन आता है, ये बहुत रिच होते हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे होते हैं और बड़ी उम्दा ज़िंदगी, शराब में पी रहे हैं और बड़ी ज़िंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई तो मुझे किसी के शराब पीने या ना पीने दोनों पर कोई एतराज़ नहीं है, सबका ज़ाती मामला है, मगर वो इलीट क्लास को मैं पोर्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। तो वो फिर जैसे अरुंधति की एक मिसाल है कि वो पेंट करना है, हम बड़े लेफ्ट हैं, हम बड़े सूडो हैं, लेकिन इरेशनैलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। आज का तजिया थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं यहाँ पर बात ख़त्म करता हूँ जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि आज की जो कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं वो रैशनल स्कूल्स ऑफ थॉट्स के साथ जुड़ती जा रही हैं, रैशनैलिटी के साथ, रैशनैलिटी जो मेक सेंस करे, जो कॉमन सेंस जो अब इतनी कॉमन नहीं रही उसके साथ जुड़ी हुई। अनफॉर्चुनेटली ये जो सूडो लेफ्ट, ये जो सारे का सारा है, ये अब इरेशनलिटी की ग्राउंड्स पर है। आने वाले दिनों में हम और नितारा करेंगे इस सारी सूरत हाल को, देखेंगे और अपने आप को भी देखेंगे, अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे, हो सकता है हम भी कहीं पर इतने रैशनल ना हों। आज का तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।